हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शीतला माता मंदिर से। अभी हम हैं शीतला माता मंदिर के अंदर और अभी आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन इसके साथ ही शुरुआत करते हैं व्लॉग की कुछ क्वेश्चन के साथ। पूछना चाहता हूं सबसे पहले बहुत सारे लोगों से कि शीतला माता कौन थी और वो किन की पत्नी थी और वो किस वजह से पूजी जाती हैं, और हमारे हरियाणा के अंदर, राजस्थान और यूपी के बहुत सारे एरिया के अंदर उनको कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो अगर आप में से किसी को इन सभी क्वेश्चनों का पता है तो उनके कमेंट में ज़रूर जवाब दें, और नहीं तो मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स कि शीतला माता कौन थी, उनको किस वजह से उनका नाम शीतला माता पड़ा है। वैसे उनका नाम और कुछ था, लेकिन उनको प्यार से बाद में लोगों ने शीतला माता उनका नाम रखा। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं शीतला माता मंदिर गुड़गांव में एंट्री गेट से। ये है शीतला माता मंदिर का एंट्री गेट, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में हमारे को दिख जाएंगी प्रसाद की दुकानें। यहाँ से हम माता का प्रसाद लेके अंदर एंट्री करेंगे, और जहाँ से हम प्रसाद लेंगे उसी के बाहर हम बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं, वो बिल्कुल पार्किंग फ्री होगी हमारे लिए। तो इस व्लॉग में मैं अपनी फैमिली के साथ में आया हूँ माता के दर्शन करने के लिए, और अभी हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे प्रसाद आपको 250 रुपये से स्टार्ट होके 1000 रुपये तक के बीच का मिल जाएगा। और यहाँ से ले लिए हमने फूल की माला माता जी के लिए, और फूल की माला लेने के बाद यहाँ पे हमारे को शूज निकाल के जाना पड़ेगा अंदर एंट्री के लिए। और शूज रखने के लिए एक राइट साइड में हमारे पास है ऑप्शन, और एक लेफ्ट हैंड साइड को। 10 रुपये पर पेयर का चार्ज लगता है यहाँ पे, तो हम 3 जने तो 30 रुपये हमारा चार्ज लगेगा। तो प्रसाद ले लिया भाई, शूज निकाल दिए और अभी एंट्री करने लग रहे हैं। नानू देख रहा है बार बार एंट्री गेट पे, पुलिस भी बैठी हुई है भाई थोड़ी सेफ्टी वगैरह के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। महाभारत काल में कौरव और पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, जिनके नाम पर ही गुरुग्राम शहर का नाम रखा गया है। उनकी वाइफ का नाम था कृपी, जिन्हें प्यार से ललिता भी बुलाते थे। और माता कृपी ने केशवपुर गाँव में बीमार बच्चों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसी वजह से केशवपुर गांव में उनकी मृत्यु के बाद उनका एक भव्य मंदिर बनवा दिया गया और उनका नाम रखा शीतला माता, क्योंकि सभी बच्चे उनको प्यार से माता कहकर बुलाते थे। केशवपुर गांव जो आज की दिल्ली में स्थित है, गुरु द्रोणाचार्य गुरुग्राम से डेली उनको मिलने के लिए दिल्ली में जाया करते थे। 3 सदी पहले माता ने एक जाट चौधरी सिंह राम को दर्शन दिए और सपने में उनको कहा कि वे केशवपुर गांव को छोड़कर गुरुगांव में बसना चाहती हैं। उसके बाद माता के मंदिर का निर्माण गुरुगांव में करवा दिया गया, और आज जो मंदिर हमारे को दिखाई देता है उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में जाट राजा जवाहर सिंह ने करवाया था, जो भरतपुर के राजा थे। अभी ये गुड़गांव वाला शीतला माता मंदिर गुरु द्रोणाचार्य मंदिर के पास में ही है, और अभी इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर चर्म से रिलेटेड रोग ठीक हो जाते हैं, जिसको भी स्किन एलर्जी होती है, चिकन पॉक्स वगैरह, तो यहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी ठीक होके जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, ये सामने है एंट्रेंस, और यहाँ से जाते हैं अंदर माता जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में। और आगे भैरव बाबा का सामने अगर हम चले जाते हैं तो भैरव बाबा जी का वहाँ पे ज्योत वगैरह लगती है, और शीतला माता जी की भी ज्योत लगती है। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मुंडन हॉल, और मुंडन हॉल के अंदर ही है वो हमारा मन्नत का घर वगैरह और दान वगैरह के लिए। और यहाँ पे भैरव बाबा जी की प्रतिमा है, सभी यहीं पर हैं। वो ठंडे पानी का वाटर कूलर यहाँ पर लगा रखा है श्रद्धालुओं के लिए, और बहुत संख्या में डेली 50 से 60 हज़ार लोग बोला जाता है कि यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। अभी अंदर जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए शीतला माता मंदिर के अंदर। और अगर आप कोई दान वगैरह करना चाहते हो तो ये मंदिर के अंदर यहाँ पे जगह जगह पे QR कोड वगैरह लगे हुए हैं, आप इनको स्कैन करके दान वगैरह कर सकते हैं घर से ही। ये देखो, तो स्क्रीनशॉट लेके आप दान वगैरह कर सकते हैं। ये है भाई शीतला माता मंदिर का एंट्रेंस, और यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है ताली, इसका जरूर बजाएंगे भाई। तो अभी अंदर एंटर हो गए हैं भाई हम। सामने है शीतला माता जी की प्रतिमा जो यहाँ पे स्थापित की गई है मंदिर के अंदर। जय हो शीतला माता जी की। भी हमारे दर्शन हो गए हैं भाई, और यहाँ पे अंदर भीड़ बहुत कम है। वैसे यहाँ पे जब मेला वगैरह लगता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो अभी आपको भी बिल्कुल पास से क्लोज से दर्शन करवा देते हैं। ये देखो, ये है शीतला माता जी की प्रतिमा जो यहाँ पे स्थापित की गई है। जय हो शीतला माता जी की। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और आपको दर्शन करवा दिए हैं, अभी चलते हैं हम आगे जहाँ पे ज्योत लगती है और माता का फूल वगैरह वो अर्पित किए जाते हैं। यहाँ से हमारे को प्रसाद वगैरह भी मिल जाएगा,
और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पहले तिलक वगैरह लगवा लेते हैं यहाँ से, उसके बाद प्रसाद लेके और आगे जाके अपना फूल अर्पित कर देंगे माता जी को और जोत वगैरह लगा देंगे। तो वहाँ से अभी हम भाई दर्शन करके आए थे और यहाँ पे अभी हम जोत लगा रहे हैं। माता जी की जोत लगती है यहाँ पे, बाहर अंदर नहीं लगती, ताकि अंदर ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह ना हो, धुआं वगैरह ना होते। और यहाँ पे भैरव बाबा की जोत लगती है और उनके फूल यहाँ पे माला उनको चढ़ाई जाती है। तो माला और फूल हमने ले लिए थे रास्ते में ही एंट्री गेट से, तो अभी यहाँ पे हम जोत लगा देंगे और फूल वगैरह चढ़ा देंगे। पब्लिक टॉयलेट वगैरह की पूरी सुविधा है भाई यहाँ पे, अगर आम है तो सारी चीज़ें की सुविधा है अंदर। ये है मुंडन हॉल, अभी चलते हैं मुंडन हॉल के अंदर। जिनकी भी शीतला माता कुल देवी होती है वो यहाँ पे आके अपने छोटे बच्चों का मुंडन करवाते हैं। ये है भैरव बाबा जी की प्रतिमा और यहाँ पे सभी देवी देवताओं की हमारे को छोटी छोटी जो है मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। प्रतिमा जो जिनकी दर्शन करना चाहता है, जिनके सामने प्रसाद या कुछ भी अपनी इच्छा मांगने के लिए आता है, तो सभी देवी देवताओं का यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा प्रतिमा। आगे हमारे सामने है मुंडन हॉल और इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम सिंपल से छोटे बच्चों के बाल कटवा सकते हैं और एक वीआईपी सूट भी है भाई। आपको यहाँ पे अंदर जाके पूरे वीआईपी एसी रूम के अंदर आपका बाल काटे जाएंगे छोटे बच्चे के, वो सामने है और आसपास में बहुत सारे रूम हैं। अगर बाल काटने के बाद छोटे बच्चे को नहलाना है, गर्मियों का सीज़न है, तो यहाँ पर नहला भी सकते हैं। यहाँ पर माँ काली के दर्शन है भाई, जय माँ काली की। और ये हमारे सामने आ गया मन्नत के धागे, यहाँ पे बांधे जाते हैं मन्नत के धागे। तो मन्नत का धागा बांधने के लिए भाई यहाँ से भाई सामान मिल जाएगा, 20 रुपए का रोली मिलती है और 20 रुपए की रोली यहाँ से लेके, और ये साथ में ही है मन्नत का धागा यहाँ पे बांधे, तो अभी बांधने लग रहे हैं। यहाँ पे है भाई मन्नत का घर, मतलब जो लोग मन्नत मांगते हैं कि उनका घर बन जाए, वो यहाँ पे आके और अपना घर का डिज़ाइन बनाती हैं। देखो ईंटों से, सब ने अलग अलग तरीके, किसी ने ऊंचा कई मंजिला बना रखा है, किसी ने 2-3 मंजिला बना रखा है। तो जो अपना घर मांगने की मन्नत करते हैं वो यहाँ पे शीतला माता के मंदिर के अंदर आके और अपना घर बना देते हैं, और उनके ऊपर कुछ सिक्के रख देते हैं। ये देखो सभी के ऊपर ना सिक्के रखे हुए हैं कुछ कुछ। नोनोर भाई अपना घर बनाओगे मन्नत का घर, बोलते हैं कि जो मन्नत मांगता है यहाँ पे आके घर बनाता है, उसका घर जल्दी ही बन जाता है। देखते हैं हमारा कितने दिन में बनता है। वो देखो बोर्ड लगा हुआ है ना वहां पे, चार पांच मंजिला घर बना दिया है और अब इसके ऊपर सिक्का रख देते हैं। तो यहाँ पे होता है भाई व्लॉग का एंड। और अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, तो इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हुड्डा सिटी सेंटर, जो यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी जिसका फेयर रहेगा लगभग 100 रुपये के आसपास। और गुड़गांव जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है वो 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और गुड़गांव का जो बस अड्डा है, बस स्टैंड है, वो यहाँ से वो भी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है।
तो कैसा लगा भाई आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और कमेंट करो, और भी ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए धन्यवाद।